नमस्कार, मैं हूं अनुराग। आप देखना शुरू कर चुके हैं एंटी नेशनल। मेरे पीछे का हाल आप बिल्कुल देख सकते हैं, जहां पे ये बिजली के जो पोल गए पूरे का पूरा, ये ट्रांसफार्म जो ट्रांसमीटर गए यहां पे रखा हुआ था। कितना अब भारी और कितना ज़बरदस्त ये तूफान रात को रहा होगा, आकलन लगाया जा रहा है। देर रात जो 12 बजे के करीब ये जो घटना गए यहाँ पे घटी गए, देख सकते हैं जो इसके बीच में दो पोल लगे हुए हैं, दोनों एक साथ गिरे हुए गए। ये साथ में देख रहे हैं बिजली के जो ट्रांसमीटर गए ये, और कैसे गिरा होगा पूरे के पूरा जो जाल गए तारों का, वो यहाँ पे जाल का जंजाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही आप देख रहे हैं दूसरी तरफ भी ये एक बिजली का दूसरा पोल गिरा गया। कारण जो अटकलें लगाई जा रही है वो ये जो कैंची है जिसपे पतरे की जो टीन लगा के रखते गए, कहीं ना कहीं तेज तूफान के चलते ये यहाँ से कॉलेज की तरफ से, पीछे इसके कॉलेज है, कॉलेज से उड़कर आई है। और उसके बाद ये ट्रांस ये जो फार्म जो मीटर लगा हुआ गए ये जो पोल गए इसके ऊपर गिरी गए, और इसके साथ ही जो प्रेशर बना गया उस दबाव के चलते दूसरे वाला जो बिजली का पोल गए वो यहाँ पे गिरा गए। कुछ लोग हैं इनसे जान लेती हैं लगभग कितने बजे की ये घटना रही होगी, कब की घटना रही। सर यहीं रहते हैं आप? जी मैं यहीं रहता हूँ, मेरा सामने। तो किस प्रकार से हादसा मान के चल रहे हैं? ये रात को चक्रवात आंधी आई थी, सब तक प्रशासन को कोई भी आदमी नहीं आया, ये मार्केट वाले आए थे अपने संभाल के चले गए हैं, सब शेड बैट उड़ गए हैं। ये बहुत नुकसान हुआ यहाँ घरों का भी। कैसे हुआ होगा ये, क्या मान के चल रहे हैं? सर ये आंधी के कारण ही हुआ है, सर प्रशासन का कोई आदमी अपना नहीं आ जाना चाहिए था। इतना भारी पोल है, टूटने का कारण क्या मान के चल रहे हैं, क्या अटकलें लगा रहे हैं? ये आंधी से हुआ सर, ये आंधी से हुआ है। सर प्रशासन को भी आपको यहाँ पहुँचना चाहिए था, आपकी लाइट नहीं है, आगे भी सब लाइट बंद है, लाइट भी जरूरी है और आना चाहिए था सुबह। देखिए काफ़ी समस्या यहाँ पे गए जो बिजली विभाग के कर्मचारी गए, रात को ये हादसा हुआ गया, लेकिन इसके बाद से अभी तक कोई यहाँ पे नहीं आया। देख सकते हैं किस प्रकार से छत के ऊपर भी ये जो सामने टीन जो गिरी हुई है वो छत के ऊपर, कितना नुकसान यहाँ पे घरों का भी हुआ होगा इसके। ये देखिए कितना जो भारी ये यहाँ पे बिम पड़ा गया, कैसे गिरा होगा, कैसे टूटा होगा, कुछ लोग हैं हमारे साथ जान लेते हैं। सर क्या नाम आपका? सर कैसे मान के चल रहे हैं आज से, कैसे हुआ होगा ये? ये तो कॉलेज का कोई शेड था जी, वो रात को गिर के आया नीचे बाहर जी, उसकी वजह से ये खड़े खम्भे गिर गए और ये चदरे वगैरह पीछे साइड में इन दुकानों की बैक साइड में कॉलेज के लोहे की चदर का शेड बना हुआ था जी, जो यहाँ से लगभग 100-150 फुट दूर जाके गिरा है, उसकी वजह से ये बहुत मतलब नुकसान का नाम हुआ है। पोल गिर के मतलब मान रहे हैं इसमें जो कैंची है शेड की वो लगी है, ये मान के चल रहे हैं इसीलिए गिरा। कैंची का नहीं कह सकते क्योंकि कैंची का यहाँ से, लेकिन तारे उलझ गई है और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ये यहाँ पे देख सकते हो आप, ये इसका लेंटर भी गिर गया, लेंटर भी इसका दुकान का बहुत नुकसान हुआ है। इस बिल्डिंग के पीछे एक गली है, उस गली के अंदर भी लगभग 8-10 लोहे की चदरें उड़ उड़ के गई है रात को 11:55 पे। तो अभी बिजली विभाग के अभियान चाहिए था, क्या मान के चल रहे? सुबह पाँच बजे के आसपास दो बिजली वाले यहाँ देख के गए, काम इतना ज्यादा देख के वो वापसी चले गए, तो JCB बुला के तब जाके काम कहना इसका कराना पड़ेगा जी। अभी कोई जान मान का कोई नुकसान नहीं हुआ। रात का समय था इस वजह से हो गया, मच गया ना जी, अगर दिन का समय होता तो काफी नुकसान हो सकता था, काफी जाने भी जा सकती थी क्योंकि मार्केट खुली रहती है सारी की सारी, हॉस्पिटल है, लोगों का आना जाना बहुत है इधर तो, लेकिन ये तो रात का समय था तो बच गए। देखिए कहा जा रहा है कि काफी जो रोड है वो चलता रोड है, यहाँ पे हजारों लोगों का रेगुलर आना जाना रहता है, सामने बिल्कुल कॉलेज गए, इसके साथ ही यहाँ पे दो हॉस्पिटल है, 2-3 यहाँ पे हॉस्पिटल बने हुए गए, मेन शहर की जो मार्केट गए वो यहाँ पे गए। ऐसे में इस तरह का हादसा और बिजली प्रशासन का अभी यहाँ पे ना होना कहीं ना कहीं शर्मनाक घटना ज़रूर कही जाएगी। आप देखते रहिए एंटी नेशनल, मैं अनुराग सिंह।